किसान यूनियन टिकट के युवा जिला अध्यक्ष उत्कर्ष तिवारी द्वारा उनको फोन करके तमाम तरीके की गालियाँ दी गई धमकी दी गई उसके बाद में उन्होंने पूरे पिछड़े समाज को लेकर कुर्मी समाज को लेकर जातिगत टिप्पणियाँ की पिछड़े समाज से आने वाले लोग हैं और हम अपने समाज के मान सम्मान से किसी भी कीमत पर समझौता करने वाले नहीं हैं इस बात से आहत होकर हम लोगों ने इस्तीफा दे दिया इस व्यक्ति पर अगर कार्रवाई नहीं की जाती है तो भारतीय किसान यूनियन टिकैत का मेरे हिसाब से पिछड़ा समाज पुरजोर विरोध करेगा एक से एक लोग कुर्मी में भी धन बल से काफ़ी मजबूत हैं लेकिन वो भी अस क्या सोच के बैठे हुए अपने घर में वो भी बाहर नहीं निकल पाते लोग हमेशा समाज की लड़ाई और दलित पिछड़ों वंचितों की लड़ाई लड़ते रहे हैं और इस मामले में भी हम पूरी तरह साथ हैं जो कार्यकर्ता किसी भी संगठन की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं अगर आप उन्हीं से इस पत्नी से से बात करेंगे उनको माँ बहन की गालियाँ देंगे उनके पूरे समाज को टारगेट करेंगे तो इस तरह स्वाभिमान से समझौता करके हम लोग संगठन में नहीं रह पाएंगे साथियों नमस्कार मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत भारतीय किसान यूनियन टिकैत ग्रुप से पिछड़े वर्ग के तमाम सारे लोग इस्तीफा दे रहे हैं बात मान सम्मान की बता रहे हैं भारतीय किसान यूनियन से जुड़े हुए बाराबंकी के कुछ साथी मेरे साथ में हैं आपने भी फेसबुक पर लिखा विरोध जताया इस्तीफा दिया क्या वजह है और आपके पास क्या पद था मैं भारतीय किसान यूनियन में युवा मंडल सचिव के पद पर था और इस्तीफा देने का मेरा कारण ये था कि हमारे संगठन में एक हमारे पिछड़े पिछड़े समाज के एक व्यक्ति हैं जो संगठन में उनके पिताजी उनके बाबा जी वो लोग भी संगठन में कार्य कर रहे थे अभी फिलहाल वो भी जो है कार्यक्रमों में अपनी जो है भूमिका जो सहयोग बन बन पाता है वो देते थे लेकिन अभी तीन दिन पहले जो है उनके द्वारा कोई छोटी मोटी बात को लेकर जो कि ना तो अपशब्द थी ना कोई असामाजिक बात थी बहुत आपसी विवाद का मामला था तो उसमें जो है किसान यूनियन टिकैत के युवा जिला अध्यक्ष उत्कर्ष तिवारी द्वारा उनको फ़ोन करके तमाम तरीके की गालियाँ दी गई धमकी दी गई उसके बाद में उन्होंने पूरे पिछड़े समाज को लेकर कुर्मी समाज को लेकर जातिगत टिप्पणियाँ की तो इससे हम लोग को इसके बाद में हम लोगों ने शिकायत की ऊपर तो आदरणीय राकेश टिकैत जी से और संगठन के बड़े पदाधिकारियों को हमने इस बात की सूचना दी जानकारी दी और उनसे इस पर कार्रवाई की मांग की लेकिन दो दिन बीत जाने के बाद ना तो ऊपर से कोई कार्रवाई हुई ना हम लोगों को ऐसी कोई आसार लगे कि इन पर कोई कार्यवाही होगी अतः हम लोग पिछड़े समाज से आने वाले लोग हैं हम अपने समाज के मान सम्मान से किसी भी कीमत पर समझौता करने वाले नहीं हैं हम हर समाज का सम्मान करते हैं तो अपने समाज के स, जहां सम्मान की बात आएगी तो वहां कुछ भी छोड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं इस बात से आहत होकर हम लोगों ने इस्तीफ़ा दे दिया और जो भी पिछड़े समाज से आने वाले तमाम लोग हैं अन्य जनपदों के भी तमाम लोग इस्तीफा दे रहे हैं छोड़ रहे हैं क्योंकि जो है इस स्थिति में इस व्यक्ति पर अगर कार्यवाही नहीं की जाती है तो भारतीय किसान यूनियन टिकैत का मेरे हिसाब से पिछड़ा समाज पूर्व विरोध करेगा गाली जिस शख्स को दी गई उनके घर में कोई भारतीय किसान यूनियन से जुड़ा हुआ है उनके बाबा जी का पूरा जीवन बीत गया है उनके पिताजी संगठन में उनके चाचा जी संगठन में मतलब ये संगठन जब शून्य था तब से इन लोगों ने मेहनत करके अपने खून पसीजने से संगठन को सींचा है और ऐसे व्यक्ति को जिसकी तीन पीढ़ियां संगठन में बीती हों, उसे माँ बहन की गाली दी जाएगी और पूरे समाज को टारगेट किया जाएगा गालियां कहीं रिकॉर्डेड है रिकौर, उसकी रिकॉर्डिंग है और रिकॉर्डिंग कहीं से वायरल भी हुई है अच्छा। जो कि सोशल मीडिया पर उपलब्ध है लोग इधर उधर शेयर कर रहे हैं तो कहने का मतलब यही है कि जिनकी तीन पीढ़ियाँ बीत गई उनके साथ ऐसा हो रहा है और उस व्यक्ति पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है तो फिर पिछड़े समाज के लोग आखिर क्या सोच के इस संगठन में जुड़े रहें क्या सोच के इस संगठन में बने रहें मान सम्मान से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता है पुलिस के पास भी ये मामला गया पुलिस के पास मामला गया था और ट्विटर पे कंप्लेन हुई थी और जिनके साथ हुआ था उन्होंने अप्लीकेशन भी दी थी उसके आधार पर मुकदमा भी लिखा गया है और वो करीब 24 घंटे थाने में रहा भी है इसके बावजूद कोई कार्रवाई इसके बावजूद भी संगठन की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं की गई है अच्छा आप किसान यूनियन से जुड़े हुए हैं उत्कर्ष तिवारी नाम आपने बताया जी जी क्या लगता है इतना लगाव लगाव क्यों है उस व्यक्ति से कोई खास वजह अब लगाओ की बातें तो खैर सब जान ही रहे हैं और सारे लोग आपस में कह भी रहे हैं लेकिन अब उन बातों के प, हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है इसलिए मैं उन बातों को नहीं कहना चाहूंगा लेकिन पब्लिक को पता सब है कि किस वजह से क्योंकि बात यह है कि जब दिल्ली में आंदोलन चल रहा था तो हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे राकेश टिकैत जी की और वहीं से प्रेरित होके हमने भारतीय किसान यूनियन टिकैत ज्वाइन किया था कि यहाँ पर मान सम्मान मिलेगा हमारे अधिकार की लड़ाई लड़ी जाती है हम लोगों ने उन्हीं लोगों से क्योंकि ये जग जाहिर है ये व्यक्ति कितना पुराना है उत्कर्ष तिवारी अभी पाँच या छह महीने हुआ होगा संगठन में केवल केवल छह महीने और बड़ी बात ये है कि इनके जिला अध्यक्ष बन जाने के बाद लोगों को पता चला कि कोई उत्कर्ष तिवारी भी संगठन में था अच्छा किसान भी है ऐसे ही है अब किसान किसान सब हवा हवाई वाले हैं अगर पूछ लेंगे कि जो है रबी जायद की फसलों में अंतर क्या होता है तो शायद नहीं पता होगा आप किसान यूनियन में जिला प्रवक्ता के पद पर थे जी सनद वर्मा जी।, जी आपने भी इस्तीफा दिया है बिल्कुल क्या वजह है वो के संगठन में अभी इधर तीन चार दिनों में एक कार्यकर्ता को लेकर के आपसे जो हमारे नए युवा जिलाध्यक्ष जी थे उत्कर्ष तिवारी जी इनके द्वारा एक कार्यकर्ता को कुछ अभद्र रूप से गालियां दी गई आपसे उसकी रिकॉर्डिंग टेलीफोनिक वार्ता थी उसमें तो जिसको लेकर के काफी लोगों में रोज था और हमने भी देखा तो उसमें संगठनात्मक कार्रवाई के लिए हम लोगों ने शुरुआत में संगठन में प्रयास किया लेकिन कुछ रिजल्ट ना मिलते हुए हमने देखा तो अपना खुद ही हम लोगों ने किनारा कर लिया और अपना त्यागपत्र दे दिया गाली देने की वजह क्या थी गाली देने की वजह एक कमेंट को लेकर के थी जिसको कोई ऐसा कमेंट भी नहीं लगा हम लोगों को जिस पर हम लोग ज़्यादा टिक्का टिप्पणी करते या कोई बात भी तो उसको बैठ करके सुलझाया भी जा सकता था उसमें गंभीरता दिखाने की बात थी लेकिन हल्केपन में जो युवा जिला अध्यक्ष जी के द्वारा दिखाई गई बस वही बात थी और कोई गंभीर विषय तो, नहीं अभी वापस आने की गुंजाइश है कुछ टिकैत पूरी हो जाए तो वापस आ जाएंगे कि छोड़ दिया नहीं नहीं आना है नहीं, हम लोगों का तो लगाव हमेशा से रहा हम लोगों ने बहुत पहले से संगठन देखा है और आज भी आप कितने साल संघर्ष किए हैं हम लोग तो दो से मैं खुद सक्रिय अच्छा? सदस्य के रूप में कार्य कर रहा हूँ और उसके पहले तो छोटपन पे आते थे जब कार्य स्कूल विद्यालय में थे तब हम लोग केवल छोटे पर आ गए लेकिन इधर सक्रिय सदस्य के रूप में दो हजार से और मुकेश सिंह जी के साथ भी मीडिया प्रभारी जिला प्रवक्ता के रूप में रहा तो उसके जी तक बात पहुँचाई आप लोगों ने बिल्कुल हमने खुद बात की है गौरव टिका अच्छा। जी से और जादव जी से राष्ट्रीय महासचिव जी से तो उन्होंने संज्ञान में लिया है अब लेकिन कोई कार्यवाही होती नहीं दिखी तो हम लोगों ने किनारा कर लिया इससे अगर उसको बाहर कर दिया जाता है तो वापस आएंगे आप लोग बिल्कुल कुछ कार्यवाही तो जरूर होनी चाहिए लेकिन शीर्ष प्रशासन क्या लेता है उसके जब उनका निर्णय आएगा उसी के बाद हम लोग कुछ अपना स्टैंड क्लियर करते हैं बाराबंकी क्षेत्र भी जो है लगभग सबसे ज्यादा खेती करने वाला कुर्मी समाज के और पिछड़े समाज के ही लोग हैं इस वजह से और ऐसी समाज के लोग इसी संगठन से सबसे अधिक संख्या में जुड़े थे तो हम लोग इस बुनियादी चीज पर जो तीज है अगर उन्हीं को एक तरीके से गाली गलौज करके अपमानित किया जाएगा फिर किस तरीके से संगठन आगे बढ़ेगा और किस तरीके से लोग संगठन में अपनी भूमिका निभाएंगे उनको क्या विश्वास रहेगा कि हमको हमारे हक और अधिकार की बात कौन लड़ेगा आपका क्या नाम है मेरा नाम रजनीश वर्मा है आप आप एक किसान यूनियन से जुड़े हैं जी मैं पदाधिकारी तो नहीं हूँ किसान यूनियन का मगर आप मेरा संगठन है सामाजिक संगठन है और कहीं ना कहीं जो है किसान का बेटा हूं तो दर्द रहता है और किसानों किसान संगठन में अपनी आस्था थी इसलिए मैं सक्रिय सदस्य के रूप में यहां से लेकर दिल्ली तक हर लड़ाई में साथ रहा सब कुछ हुआ मगर कहीं ना कहीं अब जो हो रहा है समाज के साथ जो स्वाभिमान और सम्मान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है या कतई बर्दाश्त नहीं है बिल्कुल जो है संगठन के पदाधिकारी जो भी है इस्तीफा दे रहे हैं पिछड़े समाज की कहीं ना कहीं ये बेजती है इसको एक चीज़ समझ में नहीं आती है कि तमाम सारे लोग जी। बात करते हैं मनुवाद से मुक्ति की और इसकी लेकिन तमाम सारे संगठनों पर जाकर के इसी तरह के लोग काबिज हो जाते हैं जो पिछड़े और वर्ग पिछड़े वर्ग के और ऐसी वर्ग के लोगों को दृष्टि से देखते हैं तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात है कि आजकल जो संगठन हैं उसमें आर्थिक जो है बहुत बड़ी चीज़ है मतलब जो आर्थिक दृष्टि से अगर देखते हैं तो फिर बड़ी चीज़ है और वहाँ पर ऐसे लोग हैं जो कई गलत कार्यों में कार्यरत हैं उनके पास तमाम धन बल से मजबूत हैं और वो इस चीज़ का फायदा उठाते हैं आपका संगठन पूरा समर्थन दे रहा है बिल्कुल संगठन समर्थन दे रहा है हमारा समाज के अंदर जो है जो अपमान हुआ है उसको लेकर इतना रोष है और हम लोग हमेशा समाज की लड़ाई और हर किसी की लड़ाई दलित पिछड़ों वंचितों की लड़ाई लड़ते रहे हैं और इस हमले में भी हम पूरी तरह साथ हैं और हमारा पूरा संगठन साथ में खड़ा हुआ है और पूरी लड़ाई लड़ रहा है डिमांड क्या है आप लोगों की क्या चाहते हो आप जी डिमांड बस इतना है कि स्वाभिमान से समझौता नहीं होगा अगर वो रहेंगे तो हम लोग में से कोई कार्यकर्ता नहीं रहेगा जो कार्यकर्ता किसी भी संगठन की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं अगर आप उन्हीं से इससे बदमीजी से लहजे से बात करेंगे उनको माँ बहन की गालियाँ देंगे उनके पूरे समाज को टारगेट करेंगे तो इस तरह स्वाभिमान से समझौता करके हम लोग संगठन में नहीं रह पाएंगे विरोध में साथ हैं आप भी सब लोग साथ हैं हम खुद किसान हैं जो है और एक को को टारगेट किया जाता है जो है तो हम लोग साथ हैं और विरोध कर रहे हैं उद्काशारी को हटाया जाए तो हम लोग दोबारा पद ज्वाइन कर लेंगे वरना हम लोग संगठन में नहीं है संगठन छोड़ देंगे अच्छा क्या वजह है कि हर जगह पर कहीं भी चाहे किसानों की बात हो दलित पिछड़ों की भी बात हो बहुजन बात की बात हो सामाजिक न्याय की बात हो समाजवाद की बात हो ये एक जाति का वर्चस्व टूट क्यों नहीं रहा है कारण क्या है देखिए बड़े पदों पर उच्च पदों पर कहीं ना कहीं इनकी संख्या ज़्यादा है हम लोग वहाँ पर कमज़ोर हैं यही वजह है कि इनका एक आदमी कहीं भी बैठा होता है तो फिर वो अपने लोगों को बहुत ध्यान देता है एक दूसरे की सिफारश करता है कहीं ना कहीं अगर कोई बाहर से इस संगठन में आ गया तो ऐसे ही नहीं आ गया है वो किसी ना किसी की सिफारिश पर आया है और सिफारिश पे आया है तो उसका मतलब सब जान ही रहे पब्लिक को सब पता है कि सिफारिश से आए हैं फिर क्या सिस्टम है उनका आपका क्या नाम है शार्दुल पटेल नाम है हमारा सब लोगों के सहयोग में हैं आप बिल्कुल सहयोग में हैं और हमारे ये भाई हैं और हम लोग इसी समाज से आते हैं और अगर कोई भी मतलब किसी में जातिगत की बात नहीं कर रहा अगर कुर्मी समाज को लेके भी कुर्मी इंसान विरोध करते था कभी कदम बिल्कुल हाँ, करते तो ये चीज़ों के लिए भी अगर हम लोग के समाज को कोई बहुजन समाज को किसी बहुजन बहुजन समाज में किसी भी जाति का वर्ग का जो है कोई भी होगा उसके साथ हम लोग हमेशा खड़े हैं और यही विचारधारा से लेके हम लोग जन्मे थे यही विचारधारा लेके हम लोग को सिखाया गया है जन्मांतर से हम लोग सीखते चले आ रहे हैं कि हम लोग को लड़ाई लड़नी है ये करना है वो करना है लेकिन जब बात आती है तब कोई साथ खड़ा होने नहीं होता है एक से एक लोग जो कुर्मी में से कुर्मी में भी धन बल से काफी मजबूत हैं लेकिन वो भी आज क्या सोच के बैठे हुए अपने घर में वो भी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और हम लोग की जो भी सीख है वो हम लोग लड़ेंगे उसकी परिणाम जो भी होगा वो हम देखा जाएगा आगे

फोटो तो है शादी से लेकर और अच्छे खासे लोग प्रमाण दे सकते हैं वो बोले भले ना चुप्पी साध लें लेकिन हाँ ये तथ्य है और ये सामने अगर जाएगी तो रखा भी जाएगा बिल्कुल नहीं तो 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 अगर इस तरह की बात है तो ये तो इस्तेमाल हो गया बिल्कुल इस्तेमाल हो रहा है और ये इस्तेमाल इस्तेमाल को लेकर अगर आप कर रहे हैं उसके बाद से आप किसी जो है बहुजन समाज के ऊपर चढ़ भी रहे हैं ये आप क्या दिखाना चाहते हैं ये बात से हमें बात करनी है बाकी मैं उनसे व्यक्तिगत मैं उनसे कभी मिला ही नहीं मैंने देखा ही नहीं मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है फाइनली एक बात पूछ लेते हैं कि क्या चाहते हो आप लोग हम लोग चाहते हैं कि देखिए जिस तरीके से अपमान हुआ है इसके विरोध में समानांतर कोई कार्यवाही संगठन कर दे तब हम लोग देखिए हम लोग किसान हैं हम लोग बनावटी किसान नहीं हैं कि किसान नेता फर्जी बने हुए हैं वास्तव के किसान हैं हमें पता है कि काम कैसे खेतों में किया जाता है तो हम लोग बिल्कुल दिल से वहीं से जुड़े हुए हैं हम लोग बिल्कुल रहना चाह रहे हैं लेकिन इस स्थिति में कतई नहीं भारतीय किसान यूनियन टिकैद ग्रुप के जितने भी लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और खास तौर से राकेश टिकैत जी से नरेश टिकैत जी से विशेष रूप से अनुरोध करता हूं कि इन सब पिछड़े वर्ग के लोगों की बात को सुनना और समझना चाहिए क्योंकि यही आपकी वास्तविक रीढ़ है शुरू से लेकर के अब तक चौधरी चरण सिंह जी को जितना मैं समझ पाया कुंभाराम आर्य जी को जितना समझ पाया सर छोटू राम जी को जितना समझ पाया उनकी लड़ाई इसी मनुवाद के खिलाफ थी और इसी मनुवाद की खिलाफत करते हुए ये पूरा आंदोलन एक समय में सक्सेस था इसीलिए पश्चिम उत्तर प्रदेश में कभी संघी मानसिकता के लोग घुस तक नहीं पाए यही आपकी ताकत थी इस ताकत को आप खो देंगे तो निश्चित तौर पर आपका जनादार खिसक जाएगा देखते रहिए सन जन मत जागरूक और सजग बने रहिए जय विज्ञान जय संविधान धन्यवाद